हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो। दोस्तों, आप देख रहे हैं द मेंशन टीवी और मेरा नाम है शाहरुख खान। और आज की वीडियो बहुत ही खास और कमाल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं करने वाला हूं अनबॉक्स। तो दोस्तों, यहां पर मैंने ये लैपटॉप मंगाया है और आप देख सकते हैं डेल का 3501 लैपटॉप मैंने मंगाया है। तो इसको मैं यहाँ पर अनबॉक्स करने वाला हूँ और उसके बाद इसका रिव्यू भी हम करेंगे कि ये कैसा है और देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है और इसकी परफॉर्मेंस वगैरह जो मैं आपको यहाँ पर सारी कुछ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, बने रहिए हमारे साथ में। तो दोस्तों, सबसे पहले इस बॉक्स को हमें कट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस बॉक्स को ओपन कर लिया है और अंदर एक और बॉक्स मिलता है, जो मिलता है डेल की तरफ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बॉक्स डेल की तरफ से हमें मिला है। तो यहाँ पर इस बॉक्स में हमें भी सिर्फ एक लेबल मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसकी जो बिल है वो है। इसको हम साइड में रख देते हैं और ये जो फ्लिपकार्ट वाला बॉक्स है इसको भी हम साइड में कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है डेल की तरफ से। यहाँ पर डेल की ब्रांड है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी लैपटॉप हिल रहा है, इसकी भी कोई ख़ास पैकिंग नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको भी हम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं प्रोडक्ट की हालत कैसी है इस टाइम, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत दूर से चल के आया है। यहाँ से खोल लेता हूँ, उसके बाद में इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों, इस बॉक्स को भी कर लेते हैं हम ओपन। ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके इसकी पैकिंग है डेल की तरफ से। ये यहाँ पर इसका मैंने ये निकाल दिया है जिसमें लैपटॉप आता है, इसको साइड में कर देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लैपटॉप किस तरीके से इसमें आता है। उसके पहले हम यहाँ पर ये एक जो बॉक्स है इसमें से निकाल लेते हैं इसके चार्जर को। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका चार्जर है, ये भी पैकिंग में आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद और देखते हैं इसमें इसका जो एडेप्टर है उसको भी निकाल लेते हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एडेप्टर है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 45 वाट का जो है एडेप्टर है। यहाँ पर मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ, इसका जो एडेप्टर आता है 45 वाट का आता है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसको कर देते हैं साइड में। उसके बाद में हम निकाल लेते हैं हमारे लैपटॉप को और देखते हैं इसकी कैसी है लुकिंग और क्या है इसकी। उसके बाद देखते हैं बॉक्स के अंदर, ये मैनुअल इंस्ट्रक्शन है, आप खाली टाइम में इनको पढ़ सकते हैं लैपटॉप के कैसे कैसे इसमें गाइड किया गया है, किस तरीके से इसको बूट करना है, सारी आपको मिलेगी। उसके बाद इसमें और कुछ नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉक्स बिल्कुल खाली, ये देखिए। तो दोस्तों, इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ साइड में। और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ लैपटॉप है और ये मैनुअल इंस्ट्रक्शन है इनको हम, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वारंटी कार्ड भी मुझे नहीं मिला है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लैपटॉप, इस पर कितनी गर्द छाई हुई है। ये जो पैकिंग होके आती है ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी जो ये पाउच है, इस पाउच को भी कर लेता हूँ ओपन, ये देखिए। तो मैंने ये पाउच ओपन कर लिया है और उसके बाद मैं यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ इस लैपटॉप को। और सबसे पहले मैं देखता हूँ कि ये कहीं से डैमेज तो नहीं है, क्योंकि इसकी जो ऊपर की पैकिंग थी उसकी हालत बहुत ख़राब लग रही थी मुझे। बाय द वे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का लैपटॉप है। यहाँ पर आपको मिल जाता है डेल का लोगो। इसकी एक बार देख सकते हैं लुकिंग कैसी है, बहुत ही प्रीमियम लुकिंग मुझे इसकी लग रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का इतना बड़ा लैपटॉप है। ये 15.6 इंच की इसकी डिस्प्ले है। अब आप देख सकते हैं पूरे नंबरिंग पैड में आएगा। इस सबसे पहले इसको हम
ओपन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसके पोर्ट्स को, जो यहाँ पर आप एसडी कार्ड लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है यूएसबी पोर्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है एक लॉक, किंगस्टन लॉक सिक्योरिटी के लिए। तो उसके बाद दूसरी तरफ आते हैं, यहाँ पर आपको मिलता है एयरबैंड, जिससे हम यहाँ से जो कूलिंग के लिए काम आता है, हवा यहाँ से पास होती है। उसके बाद में हम चलते हैं इधर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक मिलता है आपको HDMI पोर्ट। यहाँ पर देखिए ये HDMI पोर्ट है, और उसके बाद में ये इंटरनेट पोर्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर दो पोर्ट मिलेंगे आपको USB केबल के। उसके बाद यहाँ पर आपको एक हेडफोन लगाने के लिए भी और माइक लगाने के लिए भी एक पोर्ट मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर हमने इसकी लुकिंग देख ली, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की इसकी लुकिंग है, और बाहर से हमने इसके पोर्ट्स के, और यहाँ पर आपको पीछे की साइड देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिलती हैं 4 रबर ग्रिप्स, ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे रबर ग्रिप्स हैं। और इनके बीच में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मिलता है आपको एक एयरबैंड, जो लैपटॉप को कूलिंग के लिए काम आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलते हैं स्पीकर्स, यहाँ पर ड्यूल स्पीकर हैं, एक लेफ्ट में है एक राइट में, तो यहाँ पर आप स्पीकर्स को भी देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको इसकी बैक साइड में मिलती है, ये देखिए इंस्पिरोन की जो है, इसकी इंस्पिरोन की ब्रांडिंग मिल जाती है, और ऊपर यहाँ पर डेल की ब्रांडिंग मिल जाती है। तो दोस्तों हमने इस लैपटॉप को कर लिया है अनबॉक्स, उसके बाद में हम इसको ओपन करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये लैपटॉप आपके सामने है, ये देखिए। और यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ इसमें मिल जाता है एक कैमरा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विदाउट शटर लॉक के यहाँ पर आपको कैमरा यहाँ पर दिखेगा। और यहाँ पर सामने आपको डेल की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और यहाँ पर आप इसकी कीबोर्ड देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ स्टिकर्स इसमें लगे हुए दिखाई देंगे, यहाँ पर डेल की ब्रांडिंग है, और इसमें यहाँ पर दिखाई देगा HD वेबकैम, नैरो बॉर्डर्स में आता है, और स्पिल रेसिस्टेंट कीबोर्ड है, HD कार्ड रीडर है, HDMI पोर्ट इसमें लगा सकते हैं, और 15.6 इंच की इसकी HD WVA डिस्प्ले है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलती है इंटेल कोर i3 प्रोसेसर की जो है स्टिकर यहाँ पर आपको लगा हुआ मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसके कीबोर्ड की, एक बार हम इसके कीबोर्ड को देख लेते हैं, इनकी की कैसे काम करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही स्मूथ तरीके से काम करती है, बट मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जो की हैं इनको जब दबाते हैं प्रेस करते हैं तो हल्की इसमें आवाज़ भी आती है, यानी कि बिल्कुल ही आवाज़ नहीं हो, इसमें हल्की आवाज़ भी आती है। अब मैं इसको बूट करूँगा, बूट करने के बाद मैं फिर आपको दिखाऊँगा कि कैसी इसकी परफॉर्मेंस रहती है, और इसमें क्या क्या हमें जो है कौन से देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसको कर लेता हूँ बूट। तो फ्रेंड्स मैंने अपने इस लैपटॉप का बूट सेटअप कर लिया है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसे ऑन कर लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप इसको दिखाई दे रहा है 256 GB जो इसकी SSD स्टोरेज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इसकी जो प्रॉपर्टीज में जाके आपको दिखाता हूँ डिवाइस। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है 3501 डेल का इंस्पिरोन मॉडल, और यह आता है 3000 की सीरीज में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसेसर इंटेल आर कोर i3, और यहाँ पे 10th जनरेशन का ये प्रोसेसर है, और इसकी यहाँ पर क्लॉक स्पीड देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.20 GHz इसकी क्लॉक स्पीड है, इसको हम बूस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर इंस्टॉल रैम यहाँ पे देखिए आप 4 GB रैम है इसकी, और यहाँ पर 3.77 GB यूजेबल है, और इसको हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं अप टू 16 GB तक हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। यह 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है, नो पेन और नो टच इसमें ऐसा कुछ नहीं है टच वगैरह, और यहाँ पर विंडोज़ की डिटेल्स दी हुई हैं। तो उसके बाद में फ्रेंड्स हम चलते हैं आपको दूसरी जगह दिखाते हैं इसकी साउंड क्वालिटी, साउंड कैसा है। तो आप यहाँ पर इसकी साउंड देख सकते हैं, तो मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ साउंड, देखिए। दोस्तों आपने इसकी जो म्यूजिक है साउंड क्वालिटी है देखी, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं साउंड क्वालिटी मैंने आपको सुनाया। उसके बाद इसकी एक वीडियो क्वालिटी हम चेक करेंगे, यहाँ पर आप देखिए वीडियो क्वालिटी, ये देखिए
मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, इसी वजह से थोड़ी सी आपको सही से नहीं दिखाई दे सकती, बट यहाँ पर मैंने फिर भी आपको दिखाने की कोशिश की है। वीडियो क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी, और साउंड क्वालिटी और भी अच्छी लगी, क्योंकि साउंड एक कमरे के लिए हो सकता है पूरा, और बहुत ऊंचा साउंड है इसका। तो फ्रेंड्स, हमने इसकी अनबॉक्सिंग कर ली है टोटली, मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है, बट मैं अब आपको एक दो महीने यूज करने के बाद ही इस लैपटॉप के बारे में बता सकता हूँ कि इसमें मुझे क्या क्या कमी लगी और इस लैपटॉप में मुझे क्या क्या अच्छाइयाँ नज़र आई। तो दोस्तों, एक दो महीने के बाद इसका मैं फिर से एक वीडियो बनाऊँगा और उसको मैं यूट्यूब चैनल पर डालूँगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल की वीडियोज़ को, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।